सपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का लेक्चर होने वाला है टीवाई बीकॉम सेम 6। जो भी स्टूडेंट 6 सेमेस्टर दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें कि जीएसटी आप लोगों को यहां पे दी गई है। तो यही चैप्टर का नाम है टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इस चैप्टर में आज का थर्ड लेक्चर है, तो थर्ड लेक्चर है एंड प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे कुछ रिमूवल टाइप का था और आज यहाँ पे दिख रहा होगा कि डेट ऑफ ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो डोंट आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम अब क्या करेंगे, नो जैसा दिया है बस आपको वैसे ही मेंशन कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो फाइंड आउट करने को बोला है कि टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करिए फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो यहाँ पे ये आगे लिख गया, तो अब आप डरो कि मैम ने तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला था, आ गया तो डोंट वरी, कैसे भी आए आपको वही मेथड अपनाना है जो ऑलरेडी हम टू लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सीरियल नंबर 1, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ पेमेंट। तो ये चीजें कुछ दी गई हैं इस तरीके से। अभी आपको यहां पे फाइंड द फॉलोइंग सप्लाई, तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीरियल नंबर लिखना है, देन डेट ऑन विच गुड्स आर अवेलेबल एज इट इज कॉलम बनाना है, डेट ऑफ इनवॉइस एज इट इज बनाना है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एज इट इज बनाना है, देन टाइम ऑफ सप्लाई जो एक सेपरेट कॉलम बनता है जहां पे हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी डेट पहले आ रही है, देन रिमार्क कि वहां पे बताया जाता है कि ये डेट है और इस डेट में ये पहले आ रहा है। ओके तो अभी ये डेट देख सकते हो, ऑल डेट आर सेम, जो यहां पे प्रोवाइड की गई है वही तीनों कॉलम में मैंने डेट मेंशन कर दिया है। अब आपको क्या करना होगा, यहां पे कुछ ये डेट है जो 17/11/2017, 20/11/2017, 18/11, तो कौन सी डेट पहले आ रही है, तो 17/11/2017 पहले डेट आ रही है, तो ये पहले डेट टाइम ऑफ सप्लाई में जाएगी और आपको यहां पे लिखना होगा कि 17 नवंबर 2017 एज द डेट ऑफ गुड अवेलेबल, जो कि यहां पे मेंशन किया है एज इट इज लिखना है। देन यहां पे इसमें से देखो तो 15 जैन 2017 फर्स्ट डेट आ रही है, पहले ये डेट आ रही है, तो टाइम ऑफ सप्लाई ये होगा कि एज द डेट ऑफ इनवॉइस इट इज अर्लियर डेट। ओके तो ये पहले डेट आ जाती है तो डेट ऑफ इनवॉइस आ जाता है। देन यहां पे अगेन 18 अक्टूबर है, देन 1 अक्टूबर, देन 10 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर पहला आता है। देन यहां पे आपको मेंशन करना होगा कि 1 अक्टूबर कहां पे, डेट ऑफ इनवॉइस, तो एज द डेट ऑफ इनवॉइस इट इज अर्लियर डेट, बस इस तरीके से आपको मेंशन करते जाना है। अभी नेक्स्ट आ रहा है कि 7 दिसंबर 14 दिसंबर एंड 20 दिसंबर कौन सी डेट पहले आएगी, तो 7 दिसंबर पे एज द डेट ऑफ गुड आर अवेलेबल, जो कि यहां पे प्रोवाइड किया गया है। देन नेक्स्ट 24 जैन 30 जैन 18 जैन, तो 18 जैन पहले आ रही है, तो यहां पे कुछ इस तरीके से होगा कि एज द डेट पेमेंट रिसीव इन एडवांस, एडवांस में रिसीव किया जा रहा है, एडवांस में। ओके तो ये एडवांस में आ जाएगा और इसी तरीके से आपका ये सम होगा। अभी यहाँ पे 14 जैन ये तो लिख लिया आप लोगों ने, अभी ये है 17 फेब 21 फेब 25 फेब, तो कौन सी फेब पहले आ रही है, तो 17 फेब पहले आ रहा है, तो यहाँ पे होगा कि एज द डेट ऑफ गुड आर अवेलेबल अर्लियर डेट, बस इस ये हो गया आपका आंसर। देन आपको नोटिफिकेशन लिखना होगा, आपको जो एक नोट होता है वो आपको लिखना होगा, तो वो नोट ऑलरेडी टू लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वही वैसे ही एज इट इज नोट आपको लिखना होगा। तो ये था क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, तो
पे लिस्ट में आपको जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो भी सेम सिक्स का है आपको मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको पूरे जो भी लेक्चर्स हुए हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि जो भी स्टूडेंट क्लास कॉलेज के लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए उस फुल एजुकेशन सपोर्ट का थोड़ा भी बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर न्यू अपडेट्स के लिए। नए नए वीडियोस यहाँ पे अपलोड किया जाता है और फुल एजुकेशन सपोर्ट आपकी हमेशा इसी तरीके से हेल्प करता रहेगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वर्क कर रहे हैं तो आपके सामने वो प्रेजेंट हो सके। थैंक यू सो मच।